मथुरा के थाना शेरगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। प्रतापपुर नथरी सिंह निवासी सलाखा बरौट थाना नौहजील अपनी पत्नी ओमवती व भाई गोविंद के साथ ऑटो से भरतपुर जा रहे थे कि अचानक छाता रोड पर जटवारी पुलिया के नज़दीक ऑटो खराब हो गया। ऑटो खराब होने के कारण ऑटो ड्राइवर ने तीनों सवारियों को नीचे उतार दिया और ऑटो को सही करने में लग गया। तभी अचानक पीछे से तेज गति से आए अनाज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने तीनों को रौंद दिया, जिसमें लगभग 50 वर्षीय प्रताप की मौके पर ही मौत हो गई और प्रताप की पत्नी ओमवती ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो वहीं प्रताप का भाई गोविंद गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर को हिरासत में ले लिया है। हमारे जो प्रताप और उसकी पत्नी ओमवती और गोविंद सिंह भाई, ये तीनों भरतपुर के लिए जा रहे थे शेरगढ़ से और टेम्पो में बैठ के, और रास्ते में कुर्सी के पास से जो पुलिया है उस पर जो है टेम्पो खराब हो जाता है। खराब होने के बाद वो सड़क पर खड़े थे और पीछे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आया और उन्होंने उनको रौंद दिया। टेम्पो वाला टेम्पो बना रहा था। ये ट्रैक्टर जो रौंद के चला गया उसे पुलिस ने पकड़ लिया या नहीं? अभी पकड़ लिया। मृतक के आप कौन है? मृतक का मैं भतीजा लगता हूँ। तो मौके पे प्रताप सिंह की मौत हो गई? मौके पे प्रताप सिंह की मौत हो गई, पत्नी की हॉस्पिटल में। टीवी 100 के लिए योगेश गौतम की रिपोर्ट।